अम्बाझरी तालाब में एक अंतराल के बाद फिर जलकुंभियों का डेरा जम गया। तालाब पर बड़े पैमाने पर पैदा होने वाली जलकुंभी को हटाने का काम भी बंद हो गया। गुरुवार को अचानक से जैसे तालाब किनारे जलकुंभियों का बाढ़ आ गई। नागपुर के अम्बाझरी तालाब से जलकुंभी की समस्या थम नहीं रही। दूषित पानी की वजह से अपने आप उग आने वाली इन जलकुंभी ने नागपुर में आई बाढ़ में ही अपनी हिस्सेदारी निभाई थी, जिसके बाद इन्हें हटाने को लेकर आंदोलन स्तर पर नागपुर महानगर पालिका ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन ये प्रयास नाकाम ही साबित हुए। अभी कुछ दिनों तक जलकुंभियों का परिमाण कम था, जो अचानक से बढ़ गया, जिसे रोकने, पर्यावरण का कर्ज चुकाने और अम्बाझरी तालाब को बचाने का प्रयास करते हुए डिगडोहा जन जागृति मंच, विदर्भ सर्प मित्र समिति और उत्तर भारतीय सभा के द्वारा एक साथ मिलकर रविवार को इस जलकुंभी वनस्पति को हटाने का कार्य किया गया। या छोटों से लेकर बड़ों तक, युवा और बुजुर्ग आदि सैकड़ों लोग तालाब को साफ करने के मिशन का हिस्सा बने। दरअसल नागपुर का अम्बाझरी तालाब 150 साल पुराना है, जो पिछले 2 वर्षों से जलकुंभी वनस्पति की चपेट में है। हालांकि रविवार को इस तालाब को साफ करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हम WWF ये ग्रुप्स हम लोगों ने मिल करके इस मुहिम को बीते 3 संडे हो गए हैं, आज का 3रा संडे है जब हमने इस मुहिम को चालू किया है। इस मुहिम को शुरू करने के पीछे का जो उद्देश्य था, स्वयं वो प्रशासन को, स्वयं वो जो संस्थान है उनको जगाने के लिए हमने उस मुहिम को चालू किया था और आज उसका असर यहाँ पे दिख भी रहा है। हमने NMC को सिर्फ काम करने के सजेशन नहीं दिया, हमने काम भी किए और उन्हें अच्छे सजेशन भी दिए हैं। हमने उन्हें कई सजेशन दिए जो कि इस तालाब को नेचर के तरीके से साफ करने में बहुत सहायक होंगे। हमने उन्हें कहा है कि आप यहाँ पर पोकलैंड मशीन के साथ साथ में क्रेशर जो मछलियां हैं जो इन जलपर्णियों को नीचे से इनके जड़ों को, इनके जो उगते हुए नए पत्तों को खाती हैं, जिनसे, क्योंकि ये जो जलपर्णी है ये 6 हफ्ते में ये डबल हो जाती है इनकी क्वांटिटी, उसको रोकना है और इसे साफ करना है। तो कहीं ना कहीं इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को ब्रेक लगाना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए हमने डॉक्टर साहब जो है अपने जाधव साहब हैं उनसे बात की थी और उन्होंने जब मुझे NMC म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने जब बोला कि आप साहब से बात करके आप उनके साथ कॉपरेट कीजिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद में NMC ऑफिसर ने और हमसे सजेशन लिया। सजेशन लेने के बाद जैसे हमने उनको कहा कि आप इसमें ग्रास कार फिश, कॉमन कार फिश आप इसमें डालिए बहुत सारी संख्या में, वो इनको खाएगी और इनकी ग्रोथ को रोकेगी, जिससे हम जो निकाल रहे हैं और जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और हमारी जो क्लीनिंग मुहिम है वो जल्द से जल्द साफ हो जाएगी। ये ऐतिहासिक तालाब है, ये 300 साल पुराना तालाब और इसके साथ जो अभी बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, ये उस वक्त जड़ी बूटी के लिए, ये उस वक्त एक बगीचा बना हुआ था जो वहाँ उस वक्त जो वैद्य और हकीम रहा करते थे, उस वक्त यहाँ से वो जड़ी बूटी से लोगों का इलाज किया जाता था। और ये एक ऐतिहासिक तालाब है, ये तालाब का क्षेत्र अभी मैं देख के नहीं आया पर मेरे पास लिखा हुआ ये तालाब का क्षेत्र क्या था। और ये तालाब का जो कार्य था वो कार्य एक इस यहाँ की जो बस्ती थी ये यहाँ कुछ छावनियाँ हुआ करती थी, जो घोसलों की फौज की कुछ छावनियाँ यहाँ हुआ करती थी और इसके उपयोग के लिए ये तालाब का पानी ये पीने के लिए काम आता था और अपने सार्वजनिक जीवन के लिए भी काम आता था। जो यहाँ गार्डन था उसको भी उसका पानी उस वक्त तो वापस किया जाता था। पर अभी जो देखा जा रहा है कि रस्ते के नाम पे और बाकी नाम पे इसका क्षेत्र कम होते जा रहा है। ये हमारे एक नागपुर का ऐसा तालाब है जिसका नाम सिर्फ नागपुर नहीं, विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पर एक ऐतिहासिक नाम इस तालाब का है। आप अगर देखेंगे कि ये तालाब बारिश होने के बाद, बारिश नहीं होने के बाद भी इस तालाब में पानी जो रहता है, ये तालाब तो एक अंदर से झरे है, कुएं जैसे जो झरे होते हैं ये तालाब में करके, ये तालाब को हमेशा पानी कम प्रमाण में भी रहता है पर पानी रहता है। कभी सूखा हुआ तालाब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ के लोगों ने कभी इसको सूखा हुआ देखा है। अभी जो यहाँ पे प्लांट लगा गया है जो बहुत हमारे लिए एक तो नागपुर के लोगों के लिए एक आनंद की बात थी कि इतना बड़ा यहाँ जो प्रोजेक्ट लगाया गया, फाउंटेन लगाया गया जो फॉरेन के धरती पर था। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।